हेलो दोस्तों, वेलकम टू R&R पाठशाला। उम्मीद है आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना देर किए हुए। आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है दोस्तों, द टर्म क्वोरम रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो ये क्वोरम शब्द है दोस्तों, इसका क्या तात्पर्य है? ऑप्शन देख लेते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड अ मीटिंग, एक बैठक आयोजित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की संख्या। द मैक्सिमम टाइम अलाउड फॉर अ पैरामेंटरी सेशन, पार्लियामेंट्री संसदीय सत्र के लिए निर्धारित अधिकतम समय। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव बॉडी, एक विधायी निकाय में कुल सदस्यों की संख्या। द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ऑफ द स्पीकर, अध्यक्ष की निर्णय लेने की शक्ति। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है दोस्तों जो ठीक है? आप कमेंट बॉक्स में जाकर भी इसका उत्तर दे सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ए, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड अ मीटिंग। चलिए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जो ये क्वोरम है दोस्तों, पहले तो दो क्वोरम किससे रिलेटेड है? ये लोकसभा और राज्यसभा से। सबसे पहली और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ये, जो कि आपको समझनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। द क्वोरम इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट बिफोर अ मीटिंग इज अलाउड टू बिगिन। कोई भी जब मीटिंग शुरू होती है दोस्तों राज्यसभा या लोकसभा में, तो उसमें एक मिनिमम नंबर मेंबर्स जितने भी है वहां पर, उनके एक मिनिमम नंबर रखा हुआ है कि इतने मेंबर्स होंगे तभी हम मीटिंग शुरू कर सकते हैं। नहीं तो जो लोकसभा और राज्यसभा के जो स्पीकर होते हैं वो उस मीटिंग को एडजर्न भी कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज फिक्स्ड 1/10 स्ट्रेंथ एज ए क्वोरम फॉर बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। 1/10 ये स्ट्रेंथ रखी गई है कि उतनी स्ट्रेंथ तो होनी ही चाहिए तभी हम मीटिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज साफ लिखा है, इफ द क्वोरम इज नॉट कंप्लीट इट इज ड्यूटी ऑफ द स्पीकर टू एडजर्न द हाउस और टू सस्पेंड द मीटिंग अंटिल देयर इज क्वोरम। तो स्पीकर के पास ये पावर होती है कि वो हाउस को एडजर्न कर सकता है और मीटिंग को सस्पेंड भी कर सकता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फोट इन विच ईयर, प्लासी का जो युद्ध है दोस्तों वो किस वर्ष लड़ा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने नोटिस किया होगा जितने भी हमारे पुराने एग्जाम हुए हैं सब में ये प्रश्न पूछा गया है। क्यों इतना जरूरी है ये प्रश्न हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ऑप्शन देख लीजिए, 1757, 1764, 1857 या 1805। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ए, 1757। क्यों जरूरी है, क्यों बार बार पूछा जाता है, चलिए इसको एक बार समझ लेते हैं। ये जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है दोस्तों उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? The Battle of Plassey was a decisive victory, decisive निर्णयात्मक ये एक जीत थी किसकी? British East India Company की over the Nabob of Bengal and his French allies on June 23rd, 1757। ये तो डेट है दोस्तों जिसके बारे में क्वेश्चन बार बार आता है, किसके बीच लड़ी गई ये लड़ाई, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल जो है दोस्तों, बंगाल के जो नवाब थे उनके बीच लड़ी गई, और ये जो बंगाल के नवाब थे इनका सपोर्ट कौन कर रहे थे? फ्रेंच, जो फ्रेंच वाली जो संगठन, इसके दोस्त कह सकते हैं हम, इनके जो दोस्त थे वो। और ये कहां पर लड़ी गई दोस्ती? ऑन द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर, हुगली रिवर पर, जो कि वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में ये पड़ती है नदी, यहां पर ये लड़ी गई। वहां पर एक विलेज है जिसका नाम है प्लासी, इसलिए इस युद्ध का नाम ही क्या रखा गया था, प्लासी का युद्ध। क्लियर है दोस्तों? इसके बारे में कुछ बातें लिखी हुई है, आप और जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव, कौन लीड कर रहा था दोस्तों ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को? रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, अगेंस्ट द नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला। कौन थे? सिराजुद्दौला। तो कह सकते हैं रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच यह लड़ाई लड़ी गई। द आउटकम क्या रहा? द ब्रिटिश विक्ट्री लेड टू द ब्रिटिश बिकमिंग द डोमिनेंट इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर इन इंडिया। इस युद्ध के बाद जो है दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके हाथ में पूरी पावर आ गई, चाहे वह आर्थिक हो या वो मिलिट्री पावर हो, दोनों पावर उसके हाथ में आ गई पूरे इंडिया पर। और ये कह सकते हैं इट ऑल्सो मार्क द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस युद्ध के बाद से ही जो है ब्रिटिश का जो रूल है, जो हम 1947 तक हमने उसको बर्दाश्त किया है दोस्तों, वो एक तरह से स्टार्ट हो गया था हमारे देश में। क्लियर है दोस्तों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि आपको, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जानना चाहिए। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन एन ओलंपिक मेडल, निम्नलिखित में से कौन पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता? ऑप्शन देख लीजिए, साइना नेहवाल, पीटी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी या डी मैरी कॉम। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है सी, कर्णम मल्लेश्वरी। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता, इंपॉर्टेंट तो बनता ही है, तो कौन थी ये? कर्णम मल्लेश्वरी। क्या जीता दोस्तों? ब्रॉन्ज मेडल। किसमें जीता? वेट लिफ्टिंग में। और कब जीता? 2000 में सिडनी ओलंपिक में।
चार पांच प्रश्न क्लियर हो गए दोस्तों। प्रणब मल्लेश्वरी पहली महिला तो थी ही ओलंपिक मेडल जीतने वाली, ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने वेट लिफ्टिंग में जीता, 2000 में जीता और कहां पर, सिडनी ओलंपिक्स में। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद कह रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों जो जानना बहुत जरूरी है। मल्लेश्वरी अचीवमेंट इंस्पायर्ड मैनी अदर विमेन टू परस्यू ओलंपिक मेडल्स इंक्लूडिंग मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, इन्होंने भी बाद में जीते हैं। तो सबसे पहले प्रणब मल्लेश्वरी जिन्होंने रास्ता दिखाया कि बाकी महिलाएं भी जीत सकती हैं। साक्षी मलिक जो बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल इन रेसलिंग, कब, 2016 में समर ओलंपिक्स में क्या जीता इन्होंने भी, ब्रॉन्ज मेडल जीता 58 कैटेगरीज में, पहली महिला थी जिन्होंने रेसलिंग में जीती कुश्ती में। और मन्नु भाकर बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन द ओलंपिक शूटिंग मेडल एट द 2024 पेरिस ओलंपिक जो अभी हुआ था दोस्तों, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने। और मन्नु भाकर काफी नाम रहा है चर्चित अभी, तो इन्होंने 2024 में किस में जीता है, ये शूटिंग में। क्लियर है दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये सारे प्रश्न जो है दोस्तों पिछली जितनी भी परीक्षाएं होती है वहां से कलेक्शन करके आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं। अब ये जो प्रश्न है ये आपके लिए है, क्योंकि आपका टेस्ट देना तो बनता है अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रश्न आपको बताना है। अगर आप हमारे पिछले वीडियो देख रहे हैं तो इसका उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। और दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप इसका उत्तर देते हैं तो आप प्राइज मनी जीत सकते हैं। अगर आप हमारे मेंबर हैं तो आपको एक बार मेंबर बनना पड़ेगा, और हर महीने जो हमारा कॉम्पिटिटिव, ये एक तरह से कॉम्पिटिशन ही समझिए, इस प्रश्नों में आप भाग लेकर प्राइज जीत सकते हैं। तो प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया, भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा है। पिछली क्लास में शायद हमने डिस्कस किया है, तो आप आसानी से बता पाएंगे और पुरस्कार जीतने के आप हकदार बन सकते हैं। दोस्तों आप हमारी जो ऐप है आरएनआर पाठशाला, उम्मीद बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, आप समझदार हैं ही, इसको डाउनलोड करके आप पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बने रहिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए।